सिरमौर में पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। खासकर बरसात के दिनों में पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपती हैं और ऐसे में दूध उत्पादन में भी भारी कमी दर्ज की जाती है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग के द्वारा जिले के 2.80 लाख पशुओं में FMD टीकाकरण किया जा रहा है। अभी तक अभियान के तहत 1,27,000 पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। पशुपालन विभाग जिला सिरमौर के उपनिदेशक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि जिला सिरमौर में पशुओं में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। भारत सरकार के कार्यक्रम के तहत जिला में अभी तक 55% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। ये अभियान निरंतर जारी है। पशुपालकों को अपने पशुओं में टीका लगाने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। पशुओं में बीमारियों के कंट्रोल के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत FMD यानी के मुंह पका खुरपका व ब्रुसेलोसिस की बीमारियों की रोकथाम के लिए राज्य के और पूरे भारत में ये अलग अलग समय पर कैंपेन मोड में इनके लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता है। और हमारे जिले में जो है लगभग 2,80,000 बड़े पशु जो गाय व भैंस हैं, जिनके लिए हम टीकाकरण चलाया। और अब तक जो ताजा हमारे सूचना है उसमें भारत पशुधन ऐप पर 1,27,633 पशुओं में ये टीकाकरण करने के उपरांत इस ऐप पे अपलोडिंग हो चुकी है। और ये समय सम के साथ साथ अभी फिलहाल कार्यक्रम चला हुआ है और अपलोडिंग के लिए 1 माह का समय अतिरिक्त समय दिया जाता है, जिससे कि ये इसकी अपलोडिंग जो हमारी 80-90% तक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। क्योंकि 2019 की जो पशु जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर हमारे पास 2,86,000 के आसपास बड़े पशु थे और अब इनकी संख्या उसके उपरांत काफी कम होती जा रही है। लोग जो है जो उत्पादन वाले पशु हैं उन्हीं को अपने पास रख रहे हैं और जो बाकी अनप्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उनको छोड़ते जा रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उसके लिए अलग से है। क्योंकि वो पशु जो सड़कों पे आ रहे हैं उसके लिए सरकार ने अलग कार्यक्रम चलाए हुए उनको नियंत्रण करने के लिए। इसके साथ साथ जो है ब्रुसेला बीमारी है उसके लिए भी एक अलग से कार्यक्रम इसी प्रकार से चलाया जा रहा है, वो भी इसी कार्यक्रम के तहत है। और अन्य बीमारियां जो है जो बरसात के मौसम में काफी होती है और हमारे जो उत्पादन वाले पशु हैं उस पर काफी असर डालती है और जो हमारे उत्पादन पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 100% पोषित ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम है ये चलाया हुआ है और इस पे काफी अच्छी सफलता हमें प्राप्त हो रही है, इससे बीमारियां भी काफी नियंत्रण में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।